नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं नववर्ष 2022 आखिरकार अंक शास्त्र के आधार पर आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। और इस वक्त हम मौजूद हैं हरि के द्वार हरिद्वार में। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी, धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। नववर्ष 2022, जी हाँ, जब जब नया साल लगता है तो देखिए हर किसी को ढेरों उम्मीदें होती हैं नए साल से, क्योंकि आने वाला कल या फिर यूँ कहें कि आने वाला भविष्य आपका कैसा रहेगा हर कोई जानना चाहते हैं। और इसलिए इस बार हम एक बार फिर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कि आपका वार्षिक राशिफल, जिसे हम कह सकते हैं कि वार्षिक आपका साल 2022 अंक शास्त्र यानी कि मूलांक के आधार पर कैसा रहेगा। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मूलांक एक वालों की। आपको बताएंगे कि मूलांक एक से जुड़े जितने भी जातक हैं उनके लिए साल 2022 क्या कुछ लेकर आ रहा है। इस साल पूरे साल आपकी सेहत, आपका आर्थिक पक्ष, आपका कार्य क्षेत्र, उसके साथ साथ आपका भाग्य आप लोगों का कितना साथ देगा, ये सब आज हम मयंक जी से जानेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले मयंक जी से ये जान लेते हैं कि हरिद्वार से ये आपको कैसे बताएं कि आपका मूलांक एक कैसे बनता है। जी बिल्कुल कविता जी, देखिए जो दर्शक हमारे मूलांक के बारे में जानते हैं और रेगुलर हमारे वीडियोस देखते हैं उनको तो बिल्कुल पता है जी, क्योंकि हम हर महीने इन लोगों के लिए बताते हैं। लेकिन बहुत से हमारे जो नए दर्शक हैं जो आज पहली बार जुड़ रहे हैं, तो वो हजारों दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है वो कैसे पहचाने कि आखिर मूलांक के हिसाब से हम अपना भविष्य कैसे जान सकते हैं। देखिए कविता जी, मूलांक की विधि के लिए हमें किसी जन्म कुंडली की जरूरत नहीं है, आपका समय की जरूरत नहीं है, जन्म स्थान की जरूरत नहीं है, बर्थ ईयर की भी जरूरत नहीं है, इसमें केवल आपकी जन्म तिथि चाहिए। अगर आपका जन्म किसी भी माह की 1 तारीख को हुआ है दर्शकों, 10 तारीख को हुआ है, 19 तारीख को हुआ है या 28 को हुआ है, तो आपका मूलांक एक बनेगा। अब बहुत से दर्शक कहेंगे सर 1 तारीख का मूलांक तो समझ में आता है कि एक है सिंगल जी, तो 10 को कैसे माने हम। देखिए दर्शकों, मूलांक 1 से 9 तक ही होते हैं, ये बात आप नोट कर लीजिए, यानी कि 9 से ज़्यादा मूलांक नहीं होते। 9 से ज़्यादा जितनी भी संख्या आ रही हैं उनको आपको टोटल करना होता है, और जिसका टोटल 1 आता है वो आपका मूलांक बन जाता है। जैसे कि 10 का टोटल आप करेंगे तो 1 आ जाएगा, 19 का टोटल अगर आप करेंगे तो भी 9 और 1 10 आएगा, वो भी आपका मूलांक 1 ही बनेगा। अगर आपका जन्म किसी भी माह की 28 तारीख को हुआ है तो 8 और 2 को जोड़ दें तो टोटल 10 बनता है, 10 यानी कि वो 1 ही मूलांक काउंट होगा। तो इस तरीके से आप अपना मूलांक जान सकते हैं। और ये एक बहुत ही साधारण विधि है, मूलांक के ज़रिए से हमारे लिए कौन से दिन शुभ हैं, कौन से अंक हमारे लिए शुभ हैं, कौन से वर्ष हमारे लिए शुभ है। 2022 जिसका टोटल 6 है, यानी कि इसमें आप देखिए 2 नंबर 3 बार आ रहा है, तो 2 नंबर वालों के लिए और 6 नंबर वालों के लिए बड़ी परिवर्तनकारी स्थिति बनेगी। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं अपना आने वाला कल कैसा रहेगा, हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, काम कारोबार कैसा रहेगा और आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। बिल्कुल, और देखिए हर महीने हम आप लोगों के लिए अंक शास्त्र लेकर आते हैं, लेकिन ये जो हमारा वीडियो है ये आपका वार्षिक अंक शास्त्र से आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम मूलांक के आधार पर आपको ये बताएंगे कि पूरा साल यानी कि साल 2022 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। और देखिए जैसे कि मयंक जी ने समझाया है कि अगर किसी के स्वभाव के बारे में जानना है, उसमें जानना है कि उसमें क्या गुण है, क्या अवगुण है, क्या उसमें खूबियाँ हैं, उसे कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए, तो ये आप अंक शास्त्र यानी कि मूलांक के जरिए आप ये सब कुछ जान सकते हैं। और जो कि आज के इस वीडियो में हम मूलांक एक वालों की बात कर रहे हैं, तो आइए सबसे पहले मयंक जी से ये समझते हैं कि मूलांक एक से जुड़े जातकों का स्वभाव कैसा होता है। देखिए मूलांक एक वाले जो होते हैं थोड़ा क्रोधी स्वभाव के होते हैं, हालांकि बहुत मिलनसार होते हैं, बड़े अच्छे मित्र भी होते हैं, लेकिन इनको बस गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है। मूलांक एक वाले स्वाभिमानी होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड रहना नहीं चाहते हैं। और मैंने देखा है कि मूलांक एक वाले जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कविता जी, वो अपना खुद का व्यवसाय करके ही जीवन में ज़्यादा तरक्की करते हैं। जीवन के शुरुआती वर्षों में ज़रूर वो नौकरी कर लें, लेकिन वो नौकरी में टिक कर रह नहीं सकते क्योंकि वो किसी के दबाव में काम नहीं करते, किसी के अंडर प्रेशर या नौकरी करना पसंद नहीं करते हैं, मजबूरी में ज़रूर करते हैं, लेकिन एक समय के बाद हमने देखा है कि ये लोग खुद का ही बिजनेस करते हैं और उसमें बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं। मूलांक एक वालों की तुलना बहुत ही राजशाही लोगों में होती है, और मूलांक एक वालों के बारे में ये कहा गया है कि ये कभी हिम्मत नहीं हारते और इनको जो भी कार्य दिया जाए उसको पूरा कर कर रहते हैं, तो ये इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है मूलांक एक वालों की। देखिए सूर्य इनका स्वामी है मूलांक एक का, तो सूर्य राजा है, स्वाभिमानी है, सूर्य कभी झुकेगा नहीं, कभी दबेगा नहीं। तो मूलांक एक वाले आदर्शवादी होते हैं, अपनी बात के पक्के हैं,
यानी कि जुबान के पक्के होते हैं, एक बार जो बात बोल दी कमिटमेंट कर देते हैं उसको पूरा करते हैं, ये इनकी खासियत होती है। और मूलांक एक वाले जीवन में काफ़ी तरक्की भी करते हैं जी। हमने प्रोफेशन देखे हैं, ये आर्मी, एयरफोर्स, पुलिस, खिलाड़ी, यानी कि जहाँ बल का प्रयोग, राजनीति, समाज सेवा, प्रशासनिक अधिकारी, सरकारी नौकरी, इस ओहदे पर ये रहते हैं, उच्च पद में रहते हैं। तो चलिए, ये तो हमने मैंजी से जान लिया कि आखिरकार मूलांक एक से जुड़े लोगों का स्वभाव क्या कैसा होता है, क्या उन्हें खूबियाँ होती हैं और जिसके दम पे वो आगे बढ़ते हैं, और छोटी बहुत अपनी किन कमियों के कारण उन्हें आगे परेशानियाँ भी झेलनी पड़ती है। देखिए, चलिए, ये तो हमने आपके स्वभाव के बारे में मैंजी से जाना, अब आगे बढ़ते हुए ये जान लेते हैं कि इस पूरे साल आपकी सेहत कैसी रहेगी। देखिए, मूलांक एक वालों का स्वास्थ्य जो है इस वर्ष काफ़ी अच्छा रहा है, किसी तरह की कोई बड़ी गंभीर बीमारी समस्या नहीं रहेगी, पुरानी बीमारियों से छुटकारा भी मिल जाएगा आपको, सबसे अच्छी बात है। जिन लोगों को गले छाती में कोई इन्फेक्शन है या पेट संबंधी रोग रहते हैं उनको यहाँ थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, छोटी मोटी समस्याएँ मार्च के महीने में, जुलाई के महीने में और अक्टूबर के महीने में रह सकती हैं। इसके अलावा साल भर आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक हिदायत देते हैं, सावधानी बरत के चलनी चाहिए, वाहन संबंधी कष्ट थोड़ा नजर आ रहा है, वाहन संभल कर चलाएं। चलिए, अब बारी आती है आपके करियर के जानने की, और ये जानना जरूरी है कि भाई देखिए, नए साल में जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो कि काफी ज्यादा करियर ओरिएंटेड जो लोग हैं, उनके लिए खासकर मूलांक एक से जुड़े लोगों को किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है कविता जी, बहुत से लोग पूछते हैं हमारे से फोन करके। देखिए, मूलांक एक वालों को अगर सरकारी नौकरी के इच्छुक हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि मूलांक एक वाले हमने देखा है कि सरकारी नौकर होते हैं, सरकारी तंत्र में उच्च पद पर रहते हैं, IAS, IPS ऑफिसर, PCS ऑफिसर रहते हैं, प्रमोशनी ऑफिसर रहते हैं, आर्मी में, एयरफोर्स में, पुलिस में मेजर रैंक, जनरल रैंक इनकी होती है, तो बहुत ऊँचे पद पर जाते हैं, खिलाड़ी बहुत अच्छे बनते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट विभाग हो, यानी प्रशासनिक अधिकारी, एडमिन में बहुत अच्छा ये काम करते हैं, तो ये कुछ इनके फील्ड हैं, अगर इस क्षेत्र में करियर बनाएं तो बहुत जल्दी तरक्की करते हैं। चलिए, ये तो जान लिया हमने कि आखिरकार आपको अपने अंक के आधार पर किस फील्ड में जाना चाहिए जो आपके सबसे बेस्ट साबित हो सकता है। और अब बारी आती है आपके लव रिलेशनशिप्स की, जहां हम बात करते हैं आपके संबंधों के बारे में। जी हाँ, तो मैं जी, इनकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी इस पूरे साल? देखिए, इस पूरे साल इनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, जो गलत फहमियाँ थी वो दूर हो जाएंगी, घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, प्रेम संबंधों में भी आपको सफलता मिलेगी, नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं, तो कुल मिलाकर ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से, वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से भी। जो लोग सिंगल थे उनके इस वर्ष विवाह होने की भी पूरी पूरी संभावना है, तो 2022 आपके लिए जितना काम कारोबार के लिए अच्छा है उतना ही आपके वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंधों के लिए भी अच्छा रहेगा। मैं जी, आपने इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो बता दिया, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप थोड़ा बहुत इनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताएं, मतलब देखिए, जो लोग जॉब्स में हैं और जिन लोगों का अपना बिजनेस है, आप देखिए कई ऐसे लोग होंगे मूलांक एक से जुड़े लोग जो सोचेंगे कि नया साल है तो कुछ नया करते हैं, कोई अपना कुछ एज ए एंटरप्रेन्योर कोई अपना नया काम खोलना चाह रहा होगा, तो उनके लिए ये साल कैसा है? बहुत अच्छा है, खासकर फरवरी के बाद अगर आप नए कार्य की शुरुआत करते हैं, नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा जी। बहुत अच्छी सफलता आपको इस वर्ष में मिलेगी, पिछले वर्ष के मुकाबले में ये वर्ष आपके लिए थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा, काम कारोबार भी अच्छा चलेगा और धन का संचय भी होगा, तो कुल मिलाकर आपके लिए समय बढ़िया है। विदेश जाकर बसना चाहते हैं, विदेश जाकर नौकरी ढूंढना चाहते हैं तो भी समय दर्शकों आपके लिए बहुत अच्छा है, यात्राएँ इस वर्ष काफ़ी रहेंगी, ऐसा ग्रह नक्षत्र आपके संकेत दे रहे हैं। मैं जी, जैसे कि आपने शुरुआत में बताया था कि मूलांक एक से जुड़े लोगों के जो स्वामी होते हैं, जो ग्रह स्वामी है वो है सूर्य, अब ऐसे मैं जानना चाहूँगी इन लोगों के लिए शुभ दिन, जिसे हम कहते हैं कि लकी डेज, इन लोगों के लिए कौन कौन से होते हैं? देखिए, इनके लिए रविवार का दिन बहुत अच्छा रहता है, इनके लिए हमने देखा है कि बुधवार का दिन बहुत अच्छा रहता है और मंगलवार का दिन, ये तीन दिन इनके लिए बहुत ही भाग्यशाली रहते हैं, इन तीन दिनों में इनके सभी कार्य बनते हैं, लेकिन शनिवार के दिन इनको कोई डील नहीं करनी चाहिए और शनिवार के दिन थोड़ा संभल के भी चलना चाहिए। मैं जी, अक्सर देखा जाता है कि न्यूमरोलॉजी जो होते हैं लोग बहुत मानते हैं इस चीज को, अपनी कार का नंबर, हाउस नंबर बड़े सोच समझ के चूज करते हैं। आजकल तो लोग जो अब आप कहीं देखते हैं, जो लोग घूमने जाते हैं ट्रेवल में, अपने होटल का रूम नंबर भी अपने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से लेते हैं, बिल्कुल, तो इतना बहुत कुछ फॉलो किया जाता है। और इसलिए मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि मूलांक एक से जुड़े लोगों के किस मूलांक से जुड़े लोग इन लोगों के ज्यादा अच्छे घनिष्ठ मित्र होते हैं और
लेकिन मूलांग से जुड़े लोग थोड़े बहुत इन लोगों का उनसे थोड़ा शत्रुता का बैर हो सकता है। देखिए मेरा अनुभव ये रहा है कि इनके लिए एक मूलांग वालों के लिए जो बेहतर मूलांग रहते हैं जिनसे लव रिलेशनशिप काम सब चीज अच्छी चलती है, मूलांग दो के साथ इनका बहुत अच्छा रिलेशन रहेगा। चंद्रमा है इनका स्वामी, मूलांग पांच जो स्वामी बुध है वो इनके साथ एडजस्ट कर लेगा, और उसके बाद फिर मूलांग सात इसका स्वामी केतु है, तो ये कुछ ऐसे मूलांक हैं इनके साथ इनकी व्यवहार कुशलता, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, काम कारोबार, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लव रिलेशनशिप इन सब के साथ बड़े अच्छे चलते हैं। अब अगर बात करें हम इनके भाग्य के बारे में तो भाग्य लोगों का कितना साथ देगा? देखिए इनका भाग्य 90% इस वर्ष इनके साथ रहेगा, तो 2022 इनके लिए नई ऊंचाइयां छूने का रहेगा। मेहनत कीजिए, बहुत ही अच्छा समय है, बहुत ही बढ़िया तरक्की करेंगे, और छात्रों के लिए भी, छात्र भी जानना चाहेंगे अपने बारे में तो कविता, छात्रों के लिए भी वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिलेगा, अगर आपकी शिक्षा इस वर्ष कंप्लीट हो रही है तो आपको नौकरी भी मिल जाएगी। छात्रों के लिए भी ये वर्ष बहुत ही यादगार साबित होगा। चलिए आपने लगे हाथ स्टूडेंट्स के बारे में बता दिया, अब जाते जाते आपसे यही जानना चाहूंगी मूलांक एक से जुड़े जितने भी जातक हैं उन लोगों को आप क्या एक छोटा सा सुझाव देना चाहेंगे? देखिए 2022 को लेके आपको मेहनत बहुत करनी चाहिए, भाग्य साथ दे रहा है लेकिन वो तभी साथ देगा जब मेहनत करेंगे। दूसरा ये कि व्यर्थ के वाद विवाद से बचें, इस चीज़ से आपको बचना चाहिए, अति उत्साह है ना इस चीज़ से बचना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट ना होएं, अन्यथा आपके कामों में अड़चने आएंगी, आप किसी प्रतियोगिता में हैं, किसी टेस्ट में हैं, अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हो आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखकर हमेशा चलना चाहिए। क्योंकि मूलांक एक वालों को मैं कहता हूँ कि नो डाउट ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही बुद्धिजीवी होते हैं जी। सबसे ज़्यादा मेहनती होते हैं, समझदार, तीव्र बुद्धि, फटाफट अपना कार्य करना, सब कुछ हुनर इनके अंदर है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी छोटी सी लापरवाही या छोटी सी गलती हमें नुकसान पहुंचा देती है, तो इस चीज़ से आपको बच के चलना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस से बचें, घमंड से बचें जी। तो ये आज हमने आपको मोक्षदायिनी गंगा किनारे बसे हरिद्वार से आपको बताया है कि आखिरकार आने वाला ये नया साल यानी कि नव वर्ष 2022 खास तौर पे मूलांक एक से जुड़े जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और इसी के साथ मुझे और मैं क्षमा जी को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।